अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र क्या है? देखो, अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जो क्या कर रहा है, जो आर्थिक क्रिया का क्या करता है, अध्ययन करता है। ध्यान समझ लेना, जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी ऐसी क्रिया जिससे धन से कुछ लेना देना हो। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है भैया? ऐसा काम जिससे क्या हो, धन की प्राप्ति हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोगों को जो मनी माइंडेड होते हैं, हर चीज में पैसा ढूंढते हैं, वही लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे बायोलॉजी की ज़रूरत होती है किस चीज़ को पढ़ने के लिए। आपकी बॉडी की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को बायोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से जो आपकी इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करे, ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी जो धन के विज्ञान से जुड़ा हो, ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र कहते हैं। देखो, क्रियाएं बेसिकली दो तरीके की होती है। एक ऐसी क्रिया जिससे कुछ धन नहीं मिलता फिर भी करते हैं, जैसे कि प्यार, धन तो नहीं मिलता फिर भी करते हैं, रिया चक्रवर्ती की बात नहीं करेगा कोई, ठीक है। दूसरी ऐसी क्रिया जिससे आपको धन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बन रहे हो, आप काम कर रहे हो और डॉक्टर के बदले में आपको सैलरी मिल रही है, आप क्या करोगे, आप कल को IAS IPS बनोगे। आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उसके बदले में सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने का काम क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, और भी कह सकते हो कि अर्थशास्त्र का मोटिव होता है क्या, क्या करना, आपकी जो क्या है, आर्थिक समस्या, क्या आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। अब आप बोलोगे ये क्या बात है सर, अभी तो आप बोल रहे थे सिर्फ आर्थिक क्रिया की। भाई, बायोलॉजी बॉडी की तो स्टडी करती ही है, पर बॉडी के अंदर लंग्स में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी भी स्टडी करेगी, आपकी हड्डियों में कुछ हो रहा है तो उसकी भी स्टडी करेगी, यानी प्रॉब्लम्स की भी क्या करती है, स्टडी करती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आर्थिक समस्या क्या होती है, बहुत ध्यान समझ लेना, 11th वालों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ सिर्फ छोटी सी बात समझ लो। आर्थिक समस्या का मतलब है चयन की समस्या। देखो, जिंदगी में ना सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, ठीक है। खास करके वो बच्चे जानते हो जो मेट्रो में जाते हैं, ठीक है ना, उनको पता है कि चयन की कितनी समस्या हो जाती है। मेट्रो के स्टेशन पे उतरते ही आपको क्या होता है, पता नहीं चलता कौन सी मेट्रो में जाएं। तो देखो, चयन की समस्या का मतलब है जब आपके पास साधन क्या हैं आपके पास, लिमिटेड साधन तो आपके पास हो गए लिमिटेड, और आपकी इच्छाएँ क्या हैं, अनलिमिटेड, ठीक है जी, आपकी इच्छाएँ अनलिमिटेड हैं, और जो साधन है उसके क्या हैं, वैकल्पिक या अल्टरनेटिव यूजेस। तो ध्यान से समझ लो, अगर आपके साधन क्या हैं, लिमिटेड हैं, आपके पास जो साधन है वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और उसके यूज़ क्या हैं, अल्टरनेटिव हैं, और आपकी इच्छा जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, तो अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो इसे, अब आप लोगों ने चूज़ करा ना कि भाई मुझे कोई वेब सीरीज़ ना देख करके लेक्चर देखना है। अब आपके पास साधन तो एक फ़ोन था, वो लिमिटेड है, अच्छा समय भी क्या है, लिमिटेड है, पर अब आपकी इच्छा तो दो हो गई। एक तरफ तो आपको मन कर रहा है क्या कर लें, कि चल के कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं, आश्रम आई है, अभय आई है, चल के देख लेते हैं, अच्छा। और एक तरफ आपकी इच्छा कर, यार पढ़ भी लेते हैं, एग्ज़ाम है रहे, या एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो वो क्या है आपकी अनलिमिटेड इच्छा। उस अनलिमिटेड इच्छा को भी पूरा करने का काम, अनलिमिटेड इच्छा को मारते हुए, और इस दोनों के बीच में जब आपने चयन किया, तो उसी चयन की समस्या को, पर ये जब किससे जुड़ जाती है, धन से जुड़ जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक समस्या बोलते हैं। और आर्थिक समस्याओं का जो सब्जेक्ट अध्ययन करता है उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र को पहली बार डिफाइन किया था किसने, एडम अंकल ने, ठीक है, एडम स्मिथ ने इसको डिफाइन किया था 1757 में, आई थिंक, ठीक है ना। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, 1776 में, सॉरी, कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने, किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है ना। और इसी के अंदर इन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र की बात
की थी, जबकि भारत के अंदर अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है, कौटिल्य को, चाणक्य को। ठीक है, याद रखना ये बात, इतनी बात दिमाग में रहेगी आप लोगों के। और इंडिया में इंडिया के ओरिजिन कौन, अभिजीत भट्टाचार्य जी को अभी क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। और 1998 में अमृत सेन को भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये भी बात याद रख सकते हो नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और बात। अब देखो, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, तो जैसे बायोलॉजी के लिए, मेडिकल के लिए जो उसमें एक्सपर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, यस और नो? ठीक है, उसी तरीके से जो अर्थशास्त्र की स्टडी करता है, जो अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट है, उसको हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं या अर्थशास्त्री कहा जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लो कि अर्थशास्त्र एक टूल है। यस, एग्री? तो इसका शरीर क्या है, तो इसका शरीर है क्या, अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समस्या होती है, क्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, जो आर्थिक क्रिया होती है, क्या होती है, आर्थिक क्रिया होती है, इसका अध्ययन करने वाले ही सब्जेक्ट को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र वो कढ़ाई है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर वो सब्जी पक रही है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, क्लियर हो रही है बात, कि अर्थशास्त्र क्या है आपका, वो टूल है जिससे हम अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक समस्या और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसा संगठन, क्या, एक संगठन जो लोगों को क्या देता है, जीविका प्रदान करता है, क्या देता है, जीविका प्रदान करता है। आप कहोगे सर क्या मतलब है, देखो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम। उसी तरीके से जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए, फूड, यस और नो, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अच्छी हेल्थ सर्विसेज। अब जहां पे भी ये मिले उसी अर्थव्यवस्था को हम अच्छा बोलते हैं। जैसे मान लो अमेरिका के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज जल्दी मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था अच्छी है। वहीं केनिया के अंदर नहीं मिल रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था कम है। भारत के अंदर कुछ अच्छा है कुछ खराब है, तो इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था भी डेवलपिंग है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जहां पे भी आपको जिंदा रहने के लिए हर चीज मिल जाए, ठीक है ना, आपको क्या करा जा रहा है, आत्मस्वलंबी बनाया जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बीमार पड़ जाओ तो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस वाला पहले आपसे 5 तो पंचायत करेगा बैठ के, ठीक है, तब जाके तो एम्बुलेंस भेजेगा उसे। इसी सभी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, अच्छी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोग न्यूयॉर्क या USA, कनाडा जाके बसते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, स्वच्छ पानी है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पर हम खुद गंदा भी करते हैं तो उसको तो नहीं देखते, बट स्टिल फिर भी क्या है, हम अपनी गंदगी को ना देख करके क्या करते हैं, हम इस बात पर फोकस कर रहे होते हैं कि सरकार नहीं दे रही, ठीक है, तब भी वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था भी क्या है, सही है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं कितने, देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं कितने, अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। मैं भी अर्थशास्त्र के ऊपर वापस आऊँगा फिर से, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सी जी, तो पहली अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी, बाजार अर्थव्यवस्था, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो आजकल मोदी सरकार बनाने में लगी हुई है भारत को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है, जहां पर मैंने किसके बारे में बात करी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, मैंने बात करी किसकी, रेलवेज, इन सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, पूंजीवादी लोगों के हाथ में होता है। यानी राम राम जपना पराया माल अपना, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके उसकी क्या है, वो जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, उसी की बोलबाला है। ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ देखने को मिलेगा, USA के अंदर। USA के अंदर सारी अर्थव्यवस्था क्या है, सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है जिसका नाम है क्या आपका, दूसरी अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था।
क्या होती है भैया अर्थव्यवस्था? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के कल्याण के लिए काम किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट कमाना एम नहीं होता है। क्या एम होता है भैया? समाज का कल्याण करना। जैसे कि आप इसका अच्छा एग्जांपल देखोगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में चाइना, चाइना में सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। किसके हाथ में है? सरकार इसका पूरा नियंत्रण करती है। भारत में भी 1991 से पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा के थे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करना चाहते थे। पर कुछ तुम बोलो और कुछ हम बोले, ठीक है ना? यानी कुछ गुण किसके? बाजार अर्थव्यवस्था के, और कुछ गुण किसके? समाजवादी अर्थव्यवस्था के। ऐसे मिलकर के बनती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बनती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोलोगे सर क्या? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे KVS भी देखने को मिले, केंद्रीय विद्यालय, और जहाँ पे आपको क्या देखने को मिले? DPS भी देखने को मिले। यानी अमीर का बच्चा DPS में पढ़ सकता है, और जिसके जिसको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकता है, ठीक है? आपको यहाँ पे GTB हॉस्पिटल भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अपोलो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फर्क समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे आपको सब कुछ, यानी यहाँ पे मिक्स है। कुछ चीज़ें किसके हाथ में? सरकार के हाथ में, और कुछ चीज़ें प्राइवेट गवर्नमेंट के हाथ में, और कुछ चीज़ों में दोनों की भागीदारी है। तो ये होती हैं तीन अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और आपकी बाजार अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें अगर हम, तो तीन क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से जी? पहला क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पे निर्भर हो, यानी कि जिसमें कृषि होता है, मछली पालन हो रहा है, पशुपालन हो गया। यानी निर्भरता किस पर है? सारी की सारी निर्भरता किस पर है? प्रकृति पे। प्रकृति का प्रकृति खुश है तो चीज़ें सही होंगी, प्रकृति खुश नहीं है तो चीज़ें नहीं सही होंगी। दूसरा क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक अर्थव्यवस्था। द्वितीयक कैसे लिख दिए? सेकेंडरी, द्वितीयक अर्थव्यवस्था, या इसको हम क्या बोलते हैं? उद्योग, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के अंदर क्या होता है भाई? देखो, उद्योग क्षेत्र के अंदर है जहाँ प्राथमिक क्षेत्रों का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में पशु आते हैं, और पशुओं के चमड़े से क्या बना दिया जाता है? जूता, पर्स, ठीक है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है गन्ना, पर उससे क्या बना दी जाती है? चीनी। और चीनी को बेचने के लिए किसको रख दिया? कैटरीना कैफ को। जैसे फ्रूटी बेचती है ना कैटरीना कैफ, तो ये हो गया आपका क्या? सेवा क्षेत्र, जहाँ पे क्या किया जाता है? आपको बैंकिंग सर्विसेज दी जाती हैं, आपको एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं। यहाँ पे कुछ उत्पादित थोड़ी ना किया जा रहा है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या हो रहा है? सेवाएं प्रदान की जा रही है। यानी ना दिखने वाली वस्तु दे रहे हैं, पैसा सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? भारत में सबसे ज़्यादा क्या है इस समय? सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र बूम पे है, ठीक है ना? और किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, जो डेवलप्ड हो जाए, उसमें सबसे अच्छा होता है क्या? उद्योग क्षेत्र, ठीक है? और प्राथमिक क्षेत्र में जब भारत क्या हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो लगभग 75% लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे? प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। पर अभी भी कृषि का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है भारत में किसी और विकासशील देश के मुकाबले, ठीक है ना? कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारी कृषि में जो है वो क्या बनी हुई है, आप क्या कह सकते हो? संवेदनशीलता बनी हुई है। बारिश हुई तो खेती अच्छी हुई, बारिश नहीं हुई तो खेती बेकार हुई, ठीक है ना? यानी अभी भी सिंचाई का सही साधन नहीं है, और उसे विकसित करना ज़रूरी है। इसका अच्छा एग्जाम्पल अभी आप बिहार में देख लो, बाढ़ आया हुआ है, पानी बरसा और पानी क्या हो गया? उसने तबाही मचा दी। ऐसा कुछ नहीं करा जा रहा है, एक ऐसी टनल नहीं बनाई जा रही जिससे कि उस बिहार में या असम में जो बाढ़ त्रासदी होती है उसको किसी न किसी प्रकार से रोका जाए। समझ में आ रही बात? ये होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार और उसके क्षेत्र, मैंने आपको करा दिए। अब बात करते हैं, हम फिर से वापस चलते हैं किस चीज़ के ऊपर? अर्थशास्त्र के ऊपर। तो देखो, अर्थशास्त्र क्या क्या है बालक? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। जैसे आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक होती है जियोलॉजी, एक होती है बॉटनी, ठीक है? उसी तरीके से अर्थशास्त्र अगर सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी एक व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर रहा है, तो ऐसे में इसे क्या बोलेंगे हम?
इसे हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कहने का मतलब क्या है? जब आय की बात हो, आय की बात हो रही है तो एक व्यक्ति है, जब मांग की बात हो तो एक व्यक्ति करेगा। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी जिसको पहली बार, यानी जिसको एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए बनाया गया हो, समूह के लिए नहीं बनाया जाए। जबकि जब पूरे देश की बात की जाती है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी, अब समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आय की बात नहीं होगी, क्योंकि आय तो एक व्यक्ति की है। इसमें बात होगी किसकी? राष्ट्रीय आय की। किसकी बात होगी? राष्ट्रीय आय की। इसमें मांग की बात नहीं होगी, इसमें किसकी बात होगी? समग्र मांग की। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आई बात? बात समझ में आई तो लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? संपूर्ण देश के बारे में पढ़ेगा। आप क्या करेगा? संपूर्ण देश के बारे में पढ़ेगा। ये गरीबी के बारे में बात करेगा, बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, एक व्यक्ति की मांग के ऊपर बात नहीं करेगा, ये पूरे देश की मांग के ऊपर बात करेगा। इसके मुद्दे बड़े हैं, ये आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा और ये क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि ये बड़ी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है और ये छोटी चीज़ों का। क्लियर है बात? ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ये एक परिवार की बात करता है, जबकि ये परिवारों के समूह यानी देश की बात करता है। बात समझ में आ गई बालक? पक्का? चलो आगे देख लो, दो तीन शब्द और हैं वो भी समझ लो फटाफट। चलो देखो, अगर आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, यहाँ तक दिख रहा है? अच्छा देखो, उत्पादन का हो तो है, उत्पादन शब्द का क्या मतलब होता है? उत्पादन का मतलब होता है जब किसी वस्तु या सेवा, क्या वस्तु या क्या सेवा का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यस और नो? जब भी कोई वस्तु या सेवा बनाई जाए, यानी कि पहली बार बन के तैयार हो, उसको हम उत्पादन कहते हैं। यस, अच्छा, उत्पादन करने वाले व्यक्ति को हम उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। यहां समझो, ये टिकटॉकर थे, टिकटॉक बंद हो गया तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा चलो हम शुगर मील की वो लगाते हैं, शुगर मील लगाते हैं। तो शुगर मील लगाई इन्होंने, इन्होंने क्या करा, गन्ने को मशीन के अंदर डाला और उससे क्या निकाल दिया? शुगर निकाल दी, चीनी निकाल दी भाई साहब। ठीक है ना, इनका तेल निकला हुआ पर इन्होंने चीनी निकाल दी। अब इन्होंने जब चीनी निकाल दी, ठीक है ना, तो ये चीनी क्या कहलाएगी? इस चीनी को हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रोडक्ट, जो पूर्ण फाइनल रूप से तैयार हुआ। अच्छा, जो ये मशीन लगाई गई, इसको यानी जो प्रोसेस था, यहाँ से गन्ना डाला, यहाँ से चीनी निकली, यहाँ से गन्ना डाला और यहाँ से चीनी निकली, उस मील को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उत्पादन। क्या बोलेंगे? उत्पादन। और ये भाई साहब को क्या बोलेंगे? इनको बोला जाएगा उत्पादक। समझ में आ रही बात? इनको क्या बोला जाएगा? उत्पादक। इन्होंने क्योंकि वस्तु का क्या करा है? निर्माण किया है। ठीक है, अब मान लो कि आपकी क्या है? टाटा कंपनी है। ठीक है ना, अब टाटा कंपनी क्या करती है? आईटी सर्विसेज दे रही है। तो टाटा कंपनी क्या है आपकी? उत्पादक है और आईटी सर्विसेज उसका क्या है? उत्पाद है। ठीक है, और जो टाटा कंपनी का प्रोसेस है इस काम को करने का, उसी को क्या बोलेंगे? उत्पादन बोलेंगे। उत्पादन क्या होती है? एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की? ये एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की? वस्तु या सेवा के निर्माण की। ठीक है, वस्तु या सेवा के निर्माण की क्या है? एक प्रक्रिया है। अच्छा जी, जब ये उत्पाद बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें वो ये उत्पाद बनाया क्यों गया है? आप मुझे बताओ, बनाया क्यों गया है? कि किसी की इच्छा
या फिर आवश्यकता को पूरा किया जा सके, यस और नो बोलो। सर इच्छा और आवश्यकता में क्या फ़र्क होती है? इच्छा का मतलब है पूरा हो या ना हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि आवश्यकता ज़रूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है, वैसे ही आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी, अब तो मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपकी क्या है? आवश्यकता। पर इच्छा क्या हो सकती है आपकी? पिज्ज़ा, ठीक है, बर्गर, ठीक है, आपका पब जाना, हाँ, आप यूट्यूब पे क्या देखना, आपका यूट्यूब पे आपको सॉन्ग सुनना, ये आपकी इच्छा है। ऐसा थोड़ी ना होगा सॉन्ग नहीं सुना आदमी ने आत्महत्या कर ली, तो बेवकूफ़ है वो। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है, यानी जो इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करता है, उपयोग करता है, किस चीज़ का, वस्तु या सेवाओं का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। क्या बोलते हैं बालकों? उपभोक्ता बोलते हैं, यानी कि वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना, किस लिए, अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? तो आज के लेक्चर को यहीं समअप करते हैं। हमने आज जो जो चीज़ें सीखी उसको देख लो, हमने सीख लिया अर्थशास्त्र क्या है, हमने सीख लिया अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हमने सीख लिया कि उत्पादन क्या है, उत्पादक क्या है, उत्पाद क्या है और उपभोक्ता क्या है। हमने सीख लिया अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र सीख लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और हमने साथ साथ ये सीख लिया कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये थी आपकी बेसिक टर्मोलॉजीज जो आपको जाननी ज़रूरी थी। मैं अपनी तरफ से उम्मीद लगाता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसे फिर से समझा दूँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, टेक केयर बच्चों।